अभी तो बताओ मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे एक बार अपने बच्चे से मिलवा दो, एक बार मुझे उसको सीने से लगाने दो। ये एक माँ की चीत्कार है जिसे सुन तो सब लोग रहे थे लेकिन उसकी फरियाद कोई पूरी नहीं कर सका। महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में हर तरफ इसी तरह की चीख पुकार सुनाई दे रही है। न्यू बॉर्न केयर यूनिट 17 नवजात बच्चों को रखा गया था, इनमें से किसी की उम्र 5 दिन तो किसी की 15 दिन थी। न्यू बॉर्न केयर यूनिट में नवजात की माँ को भी केवल दूध पिलाने के लिए दिन में 1 या 2 बार जाने की इजाजत दी जाती थी। इसी दौरान माँ अपने बच्चे को जितना देख ले और दुलार कर ले। किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि इन बच्चों के लिए शुक्रवार की रात अनहोनी बन जाएगी। शुक्रवार देर रात हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आग लगने के बाद अस्पताल में मौजूद नवजात के परिजन भी कुछ नहीं कर सके और देखते ही देखते 17 में से 10 बच्चों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 3 नवजात बच्चों की आग में झुलसने से जबकि 7 की दम घुटने से मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक मृतक शिशु के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए मृतक बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी है। पीएम ने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा में हुई हृदय विदारक घटना में हमने नवजातों का अनमोल जीवन खो दिया। मृतकों के परिजनों को सांत्वना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। वहीं गृह मंत्री ने लिखा, भंडारा जिला अस्पताल में हुई आगजनी की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शब्दों से परे जाकर दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी का सामना करने की शक्ति दे। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।